राम का नाम लेकर इलेक्शन करते हैं, लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं, आप चुनाव पर राजनीति करते हैं। इनका मकसद एक है, ये समाज को बांटना चाहते हैं। 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए, 15 को क्यों भूल गए, 16 को क्यों भूल गए, 17 को क्यों भूल गए, 18 को इनको याद क्यों आया, क्योंकि 19 को इलेक्शन था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे? मंदिर वही बनाने का क्या मतलब बना? और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? मोदी जी की सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं राम जी की जब इच्छा होगी तब बन जाएंगे, बाकी लोग कहते हैं कि अध्यादेश ले आएंगे। ऐसा है, भगवान राम उनको केवल चुनाव के समय याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है, उसके पहले 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं करी, अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। नरेंद्र मोदी फेल किया तो अब वहाँ के चीज़ों का मुकाबला न करके अभी डाइवर्ट कर रहे हैं राम जी के मंदिर पर, फिर ये प्रमाणित है ना कि वहाँ हार गया है, इसलिए खोद रहा है कि कम से कम राम का नाम लेने से भी दे दे राम, दिला दे राम। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा, अब काम पे तो ये जीत नहीं सकते, राम के नाम के भरोसे ये जीतना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा।